रोजगार नहीं जाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं डिपार्टमेंट करो, लेकिन किसी के रोजगार पे तो मत करो ना, किसी को घर उजाड़ के। हमें तो नौकरियां तो है नहीं, हमारी तीन तीन पीढ़ियां यही दुकानों पे ही दुकानें कर रही हैं। आपकी दुकानें क्या इलीगल हैं भैया? ये प्योर लीगल की दुकानें हैं, लीगल दुकानें हमारी। हम 1965 के पहले का रिकॉर्ड है हमारे पास। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नई बस्ती से कुंजवानी तक जो है एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है, उसी के चलते जो है लोगों की दुकानें जो है वो टूटेंगी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में आ गया, फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट में आ गया कि नई बस्ती की दुकानें और कुछ घर जो है वो टूटेंगे और यहाँ पे पीला पंजा चलेगा। और बताया ये भी जा रहा है कि 65 दुकानें हैं और उसमें 24 घर हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आए हैं, उसी के रिलेटेड यहाँ पे लोग जो हैं वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल हाईवे ने हमें ये बोला कि आप लोग जो है हमारे रेंज में आ रहे हैं, तो अब आप लोगों को यहाँ से मतलब कि उठना पड़ेगा। अच्छा, तो हमारी आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए अपनी मांग को लेके कि अगर आप लोगों ने हमें यहाँ से उठाना है, अगर हम प्रोजेक्ट के अंडर आ रहे हैं, कुछ भी है रोड के उस तरफ जगह है, ठीक है, आप उस तरफ अगर बढ़ सकता है तो आप हमें पहले बचाने की कोशिश कीजिए, अगर हम नहीं बचते हैं तो आप हमें पहले रिहैबिटेट कीजिए, उसके बाद आप हमें बोलिए कि यहाँ पे उठाओ, उठो यहाँ से, हम उठने के लिए। आपकी दुकानें क्या इलीगल हैं भैया? ये प्योर लीगल की दुकानें हैं, लीगल दुकानें हमारी। अच्छा। हम 1965 के पहले का रिकॉर्ड है हमारे पास। जब रिफ्यूजी जब वहाँ से आए हैं ना, तो ये पहले उस टाइम से पहले की दुकान, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, ये तो रोड भी नहीं होती थी, ये रोड जो है बाद में बनी है, ये एक्सपैंड होते 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 हुई है। अब वो टाइम आ गया कि अब हमें इन्होंने बोला कि आप लोगों को यहाँ से उठना पड़ेगा। कभी आपको बताया था इन्होंने कि यहाँ से हम ये मतलब दुकानें जो है वो तोड़ेंगे? नहीं भैया, ये इस रिलेटेड हमें कोई नहीं बताया, ये थोड़े दिन पहले ही नेशनल हाईवे वाले आए हैं। सर्वे चल रहा था, सर्वे के रिलेटेड ये चीजें हो रही थी, पर किसी को भी किसी चीज़ का पता नहीं था कि मार्किंग कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। ये मार्किंग होने के बाद ही हमें पता चला है कि हमारा इतना जा रहा है, इतनी इतनी दुकानें जा रही हैं, और ये म्यूनसिपैलिटी की बसाई हुई दुकानें हैं, ये 65 दुकानें और 25 घर हैं इसमें। बिल्कुल पूरे के पूरे। और हम चाहते हैं कि इनको पहले जो दुकानदार हैं उन्हें एक जगह दी जाए, ये नहीं आप आउटसाइड दे देंगे तो वो दुकानदार क्या काम करेंगे वहाँ पे। हमें चाहिए कि प्राइम लोकेशन पे उन्हें बसाया जाए और वहाँ पे उनकी रोजी रोटी चलाई जाए, क्योंकि वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना चल रहा है, छोटी छोटी दुकानदार कई लोग रेंट लेके काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे आज की डेट में? उनके पास कोई और सहारा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह तो आपके सामने ही है कि बिल्कुल ही नहीं है, तो यही अपील है गवर्नमेंट से कि हमारी तरफ देखा जाए। बिल्कुल, हम देने को भी तैयार हैं, ये नहीं है। हम जहाँ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है हम उसमें ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, ठीक है, डेवलपमेंट होनी चाहिए पर किसी का रोजगार लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि हमें एक जगह बसाया जाए, उसके बाद आप डेवलपमेंट की जाए। पहले रविंदर रैना, उसके बाद एमपी जुगल किशोर भी यहाँ पर आए, क्या आश्वासन दिए गए उनके द्वारा? सर आश्वासन तो उन्होंने यही दिया था कि हम आपको कोशिश करेंगे कि पहले बसाएंगे, उसके बाद ही आपको तोड़ने की कोशिश। तो हमारी तो डिमांड यही थी कि कल इन्होंने एनएच वालों ने पेपर में दिया कि ये इंक्रोचमेंट है, ये हजारी इंक्रोचमेंट है, जबकि ये 47 के लोग बैठे हुए हैं, बख्शी गुलाम मोहम्मद जी ने इनको बसाया हुआ है, ढाई ढाई मरले का उन्होंने प्लाट भी दिए इनको रहने के लिए, उन्होंने ही हमें ये दुकानें भी बनाकर दी, काम करने के लिए दुकानें दी थी, उसके बाद इन्होंने ये जगह दी हमें कारोबार करने के लिए। जो जगह म्यूनसिपलिटी की थी वो म्यूनसिपलिटी वाले किराए लेते थे, जो नहर की थी वो नहर वाले किराए लेते थे, जो कस्टोडियन की वो कस्टोडियन वाले लेते थे। तो ये सब तब से बैठे हुए हैं, इंक्रोचमेंट नहीं है ये, लेकिन एनएच वाले बोलते हैं कि ये इंक्रोचमेंट है और इसको हटाएंगे हम। आपके पास लीगल पेपर्स हैं? सबके पास रसीदे हैं, सबके पास रसीदे हैं, म्यूनसिपलिटी की हैं, नहर की हैं, सबकी है, बिना रसीद के थोड़े बैठे हैं, समझे ना। डेवलपमेंट तो ठीक है पर किसी का रोजगार नहीं जाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं डेवलपमेंट करो, लेकिन किसी के रोजगार पे तो मत करो ना, किसी को घर उजाड़ के। हमें तो नौकरियां तो है नहीं, हमारी तीन तीन पीढ़ियां यही दुकानों पे ही दुकानें कर रही हैं। गरीब तबका है ही, गरीब तबका लो है बिल्कुल। आप जाकर देखो ना, कोई कोयला बेचता है, कोई किसी का कोई वो छोटा पतीला लगा के राजमा चावल बेच रहा है, बस ये कारोबार है वहाँ पर। आप बताइए, कोई बड़े बड़े शोरूम थोड़ी है, यहाँ गरीब लोग हैं। अगर आपकी मांगे या आपकी डिमांड नहीं पूरी की गई तो हमें, हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं है। अगर देख, पहला नंबर तो सामने जगह है, 150 फुट आपको लेना है, पीछे से 150 फुट आ रहा है, अब सेंटर देख के 150 फुट ले लीजिए, इधर से 75 फुट ले लो, 75 पहली तरफ से। लेकिन हो क्या रहा है कि एक तरफ से जहाँ दुकानें हैं
ये कह रहे हैं कि यहाँ पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा, इनक्लोजमेंट है, यहाँ से लिया उन्होंने 120 फुट, तो जहाँ पर आर्मी है सामने उनको पैसा देना पड़ेगा, वहाँ से ले रहे हैं 40 फुट। ये कोई न्याय तो नहीं हुआ ना कि जो गरीब है उनको दबा दिया जाए। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि गरीबों को उठाओ, लेकिन ये गरीबों को हटा रहे हैं कि पैसा ना खर्चा करना पड़े। हमने उनको बोला कि सामने ग्राउंड है वहाँ पर लो, आप बोलते हम हायर नहीं करेंगे, जगह नहीं लेंगे, जबकि वहाँ पर जगह है, आप ले सकते हो, क्यों नहीं ले रहे, लेकिन वहाँ नहीं ले रहे। ये इनको उठा रहे हैं, ये इनक्रोचमेंट है। हम इसलिए हम कहेंगे भाई आप इसको उठाओ, अगर हमें लेना ही है जरूरी, हमें दुकानें बना दो, उसके बाद कर लो।